का असली नेता कौन है, लालू जी, नीतीश जी की मोदी जी? मोदी जी का है संख्या की का। दलित के असली नेता कौन है, लालू जी, नीतीश जी की मोदी जी? लालू जी का है लालू जी छे तो की दे छे कुछ मोदी जी दे छे तो की दे छे कुछ नहीं दे छे हमरा के लालू जी बढ़िया नेता है तब मोदी आप कहे लालू जी मोदी जी बढ़िया लगता है। के असली नेता कौन, लालू जी, मोदी जी, नीतीश जी? लालू जी को वोट देवे के बा। बढ़िया नेता कौन है, लालू जी, मोदी जी, नीतीश जी? लालू और मोदी पर इतना कंफ्यूज आपने शायद इससे पहले कभी किसी को नहीं देखा होगा। ये दलित महिलाएं इतनी भोली हैं कि गले में बीजेपी का झंडा तो लपेट कर बैठी हैं, लेकिन इस बात पर कंफ्यूज हैं कि उनका नेता आखिर है कैसा, मोदी जैसा या लालू जैसा। तो कभी मोदी कहती हैं तो कभी लालू। और अगर रिपोर्टर गलती से ये पूछ ले कि आखिर मोदी क्यों, तो इस सवाल के बदले में जो जवाब आता है वो है खामोशी। और कई बार तो इस सवाल का जवाब तलाशने महिलाएं अगल बगल दूसरी महिलाओं को देखती हैं, और अगर इशारों में जवाब मिल गया तब तो ठीक है, वरना या तो लजा जाती हैं या फिर खामोश हो जाती हैं। तो बात बताइए, दलित का असली नेता कौन है, लालू जी, नीतीश जी की मोदी जी? बताइए दलित के असली नेता कौन, लालू जी, मोदी जी या नीतीश जी? मोदी जी का है। बढ़िया नेता कौन है, लालू जी, मोदी जी, नीतीश जी? दरअसल ये नजारा पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान का है, जहां 7 दिसंबर यानी आज बीजेपी की तरफ से अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया था। कहा जा रहा था कि इस कार्यक्रम में देश भर से बीजेपी के दलित नेता जुड़ेंगे। बता दें, बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित मतदाताओं को रुझाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। जेडीयू ने पिछले दिनों भीम सांसद का आयोजन किया था, और अब कहा जा रहा है कि इसी के जवाब में अंबेडकर समागम का आयोजन हुआ है। मुख्य तौर पर कार्यक्रम का मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में दलित वोटर को अपनी ओर लुभाना था, और कार्यक्रम के हिसाब से दलित महिलाएं और पुरुष पहुंचे भी, पर इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि दिल कुछ और जुबान कुछ और कह रही है। कुछ महिलाएं तो इतनी भोली थी कि वो ये समझ कर आई थी कि वहां पहुंचकर मोदी जी से घर मांगेंगे, पर अफसोस मोदी जी मिले ही नहीं। कुछ नहीं हमरा आर मिले छे, अलौली क्षेत्र में छे ना, हमरा आर कुछ नहीं मिले छे, हमरा रहे कोई उपाय नहीं छे, हमरा रहे के नहीं उपाय छे, वहे खातिर हम आयल छे जे कुछ हमरा मोदी जी मदद करते, मोदी जी से मदद मांगे। हां, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दलित और पिछड़े समाज को साधने में भी जुटी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में जाति की सियासत काफी तेज हो चुकी है, और चिंता की बात तो ये है कि अब खेल के पीछे का सारा खेल कहीं ना कहीं कैमरे पर दिखने लगा है। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।